नगर निगम आयुक्त तो प्रकाश सर्वे के निर्देश पर गठित टीम ने कुर्की कार्यवाही करना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत नेहरू नगर से की गई। कुर्की के पहले दिन 8000 स्क्वायर फीट में निर्मित इमारत को निगम ने सील कर दिया। इस संस्थान संचालक का लाखों रुपए टैक्स 2016 से बकाया था। कई बार नोटिस देने के बाद भी संचालक द्वारा राशि जमा नहीं की गई थी। टीम ने दक्षिण गंगोत्री और स्मृति नगर में भी बकायेदारों से राशि वसूल की। कुर्की के डर से कुछ बकायेदार टीम के पहुंचते ही बकाया भुगतान करते नजर आए। कार्रवाई की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवाल। देखिए, जो बकायेदार हैं, जो हमारे निगम का जो टैक्स जमा नहीं किए हैं, उन बकायेदारों पर हमने नोटिस जारी किया था कि अपना जमा राशि, जो वसूली की जो राशि है, जो लेनी है, वो जमा कर दें। तो बकायेदारों ने जो जमा नहीं किया है, उनको कुर्की वारंट जारी किया गया था। कुर्की वारंट पर जो कार्रवाई है, उसके लिए आयुक्त महोदय के द्वारा टीम गठित की गई है। यह टीम उन बकायेदारों के पास में जाकर उनसे उनकी संपत्ति कुर्क करके उनके दुकानों को सील करने की कार्रवाई करके उनसे बकाया की राशि वसूल रही है। इसी तारतम्य में अभियान का पहला दिन था और पहले दिन में 6 स्थानों पर जो है वो निगम की गठित टीम गई थी, जिसमें से एक दुकान को निगम ने सील कर दिया है और बाकी जो 5 जगह थे वहाँ पर मैं एक जगह ऑलरेडी ICICI बैंक का सील किया हुआ दुकान मिला, जिस पर बकाया वसूली की निगम गई थी। बाकी जो शेष बचे 4 में से उसने जो है वो राशि दी है और राशि देके कुछ दिनों की मोहलत भी मांगी है कि हम राशि जमा कर देंगे करके। तो इस पर वो कुर्की से कार्रवाई बचने के लिए राशि लोग जमा कर रहे हैं। आगे भी ये अभियान जो है जारी रहेगा। ये अभियान जो है नेहरू नगर से शुरुआत इसकी हुई थी, अभी वैशाली नगर जोन है, इसके अलावा मदर टीसा नगर जोन, कुर्सी पार नगर जोन है। उन जोन क्षेत्रों में जितने भी बकायेदार होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।